असलम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई सी टी मैं हूँ सरम अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने किस्म का होता है वैसे तो आप सब लोगों को ये तमाम चीज़ें पता हैं लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि विजन जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाए कि कितने किस्म की एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो कैसे है तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्स तीन किस्म की होती हैं नंबर वन इज़ दी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नंबर टू इज़ दी मोबाइल एप्लीकेशन है नंबर थ्री इज़ दी वेब बेस्ड एप्लीकेशन तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो डेस्क टॉप है वो किस तरह तो काम करती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली हर सिस्टम के ऊपर आपको अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लैब में मौजूद हैं और लैब में आ, बीस या आ, तीस पी इस वक्त हमारे पर रखे हुए हैं तो इन तमाम थर्टी या ट्वेंटी बी के ऊपर हमें अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो हमें सेपरेटली हर सिस्टम के ऊपर जाके इस्टॉलॉल करनी पड़ेगी यानी इट इज़ बेसिकली सिस्टम डिपेंडेंट एक सिस्टम के लिए ही uh, फ़िलहाल काम करती है तो हर एक के लिए सेपरेट होती है कन्फाइंड टू द फिज़िकल लोकेशन यानी एक ही लोकेशन के ऊपर कन्फाइंड है डेफिनेटली जहाँ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन भी वहीं काम करें क्योरिटी के हवाले से देखें तो डेस्क टॉप एप्लीकेशन आर दी मोर सिक्योर एप्स इस साथ ही साथ जो जितनी भी डेस्क टॉप एप्लीकेशनस हैं दे आर स्ट्रिक्टली बाउंड टू दी हार्डवेयर यानी जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं और इंस्टॉल की जाती है जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहाँ आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं कि फ़ॉर एग्जांपल 32 एमबी हमें चाहिए इसके लिए या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाला होना चाहिए तो जब भी आप इस सी लें या ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हों तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन मौजूद होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं हार्डवेयर के साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं दे डोंट नीड वेब एक्सेस टू फंक्शन यानी अगर हम इंटरनेट uh, फैसिलिटी की बात करें तो उसको इंटरनेट नहीं चाहिए काम करने के लिए ऑफलाइन मोड में बहुत आराम से काम करती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर एक शॉर्टकट जनरेट होता है जिसमें साथ एक एरोसा होता है मोबाइल so, एप्लीकेशन uh, के हवाले से आइकन जनरेट होता है और यहाँ जो आइकन uh, जनरेट होता है वो शॉर्टकट की फॉर्म में जनरेट होता है द सेकेंड फॉर्म इज़ दी मोबाइल ऐप्स मोबाइल ऐप्स आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हैं मेरे फ़ोन में भी हैं और हम आ, हर वक्त हमारे हाथ में रहती हैं और हम कभी भी कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर हम कन्फाइंड टू वन प्लेस की बात करें तो आर नॉट कन्फाइंड टू दी वन प्लेस आपके साथ मूव करती हैं जहाँ जहाँ आपका मोबाइल जाता है वहाँ वहाँ मूव करती हैं दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर मोबाइल्स यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड होंगी वो आपके मोबाइल को देखते हुए और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए बनाई गई हैं यानी yani, अगर हम एप्पल की बात करें तो आई के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन हैं वो डिफरेंट हैं और जो आपकी एंड्रॉयड uh, की बात करें तो उसके ऊपर एप्लीकेशन डिफरेंट है या हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामर जब एक एप्लीकेशन लॉन्च करने लगता है तो वो आई के लिए अलग एप्लीकेशन बनाता है और सेम विद द सेम फीचर्स और एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन डिवेलप करता है डेफिनेटली विद द सेम फीचर्स आइकॉन्स को देखें तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि डेस्कटॉप के अंदर शॉर्टकट प्रोड्यूस होता है लेकिन जो आपके मोबाइल ऐप्स हैं उसके अंदर आइकॉन प्रोड्यूस होता है अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइकॉन एंड दी शॉर्टकट आइकॉन जो है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू दी शॉर्टकट तो डेस्कटॉप के अंदर क्योंकि स्पेस वैसे ही ज़्यादा होती है तो जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें शॉर्टकट क्रिएट होता है और मोबाइल के अंदर आईकॉन क्रिएट होता है डेफिनेटली अगर हम डिमांड के हवाले से बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि ट्रेंड की बात है एक वक्त था जब डेस्कटॉप टॉप एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था लेकिन अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में हैं और हम मोस्टली अपने काम मोबाइल फ़ोन के जरिए करते हैं तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन आर मोर ट्रेंडी एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप एप्लीकेशन्स और डाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोनस की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि हम uh, कर सकते हैं uh, डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए सो so, हम ऑपरेटिंग uh, सिस्टम के हवाले से बात करे थे दे बेसिकली टू काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेजरली हम यूज़ uh, करते हैं जिसमें आप फोस uh, देखते हैं कि आपके पास एप्पल के फ़ोन्स हैं और आपके पास गूगल के फ़ोन हैं सो so, एंड्रॉइड जो है uh, उसका जो वेंडर है वो गूगल है जबकि आई एस का जो वेंडर है वो एपल है एंड दे आर टू डिफरेंट ऑपरटिंग सिस्टम जो कि पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है और जो एप्लीकेशन यानी जब आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको इनके ख़ास प्ले स्टोर पर जाके यानी आईओस के लिए आपको एप्पल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है और एंड्रॉयड के लिए आपको एंड्रॉड यानी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकते हैं डिफरेंट अपनी एप्लीकेशन और देखते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में सबसे पहले स्क्रीन साइज़ के हवाले से डेस्क हैव डेफिनेटली अ लार्जर स्क्रीन एंड मोबाइल एप्स डेफ़िनेटली उसकी स्क्रीन के हवाले से उसकी जो स्क्रीन है वो छोटी होती है तो आपका जो व्यू है वो इट इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉलर साइज़ व्यू एज़ कम्पेयर टू द डेस्कटॉप एप व्यू नेविगेशन बार को देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो आपका नेविगेशन बार है वो फिक्सड होता है इट कैन जस्ट रोल डाउन अप एंड डाउन जबकि अगर हम uh, मोबाइल ऐप की बात करें तो आगे गया पुल डाउन मेन्यूज़ हैं और आप उसको पुल uh, कर सकते हैं और उसको डाउन कर सकते हैं अंदर आर डिफरेंट वेज जिसके अंदर आप उसको डील uh, कर सकते हैं यानी आप जस्टिस uh, के साथ उसको क्रॉस कर लें या उसको ओपन कर लें तो दे डिफरेंट काइंड ऑफ नैविगेशन बार जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है इंट्रैक्शन के हवाले से अगर डेस्क टॉप पर देखें अप्लीकेशन को तो सिर्फ आपके पास जो चार कर्सन है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट तो ये फो कर्सन जो है वो काम करते हैं आपकी इंट्रैक्शन uh, के लिए जबकि मोबाइल एप्लीकेशन में डिफरेंट जेस्टर्स जो कि आप अपने फिंगर के साथ अपने वॉइस के साथ अपने टच के साथ जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं द सेकेंड डिफ्रेंस इज़ दी ऑफ देशन बार अगर हम अपने डेस्कटॉप को देखें तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो फिक्सड होता है इट कैन जस्ट रोल अप एंड डाउन जबकि अगर हम मोबाइल uh, की बात करें तो हमारे पास पुल डाउन मेन्यूज़ हैं जो कि हम पॉप कर सकते हैं डिफरेंट आपके पास मेन्यू पॉप होते हैं और आप उनको कैंसिल कर सकते हैं उनकी जो अपेयरेंस है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दी डेस्क डेस्कटॉप में सिर्फ फ़ोर uh, कर्सर्स आपको अवेलेबल हैं जिसमें अप डाउन लेफ्ट और राइट right कर्सर आपके पास हैं जिसमें आप जो है इंट्रैक्शन कर सकते हैं अपने ऐप्स अप, के साथ लेकिन जो मोबाइल ऐप है उसमें डिफरेंट जस्चर के ज़रिए आप अपनी ऐप अप से इंट्रैक्ट करते हैं वो जस्चर जो है वो सिर्फ टच का हो सकता है वो जस्चर वॉइस का हो सकता है और इसके अलावा टच में भी आप कितनी देर तक टच करते हैं उसको तो वो हाईलाइट हो जाए या वो डिफरेंट फंक्शन करना शुरू कर दे तो देर आर डिफरेंट जस्टर जो के काम करते हैं मोबाइल ऐप में इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइज कॉलम के अंदर अपीयर होती हैं डिफरेंट कॉलम जिस तरह तो एक मैगजीन में या एक न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं जबकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल यानी पोर्ट्रेट फॉर्म की बात करें या लैंडस्केप फॉर्म की बात करें तो दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर मोबाइल ऐप डिस्प्ले हो सकती है और आप देखते हैं कि जब आप रोटेशन ऑन करते हैं तो वो लैंडस्केप फॉर्म में चली जाती है पोर्ट्रेट फॉर्म जो है वो दोनों में अवेलेबल है डेस्कटॉप में भी आप स्क्रोल कर सकते हैं अपनी ऐप को और जो मोबाइल फोन है डेफिनेटली उसमें भी स्क्रोल जो है वो हो सकता है लेकिन लेंथ का फ़र्क है क्योंकि अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें फिक्स्ड विथ है और उसकी स्क्रीन बड़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रोल नहीं करना पड़ता अपने पेज को डाउन करने के लिए जबकि जो मोबाइल है उसको आपको ज़्यादा स्क्रोल करना पड़ता है तो तमाम फंक्शन विर्थ के बजाय लेंथ में आ जाते हैं इसलिए इसकी जो स्क्रोलिंग है वो ज़्यादा होती है टू गो इन टू द रिटेल फंक्शनस फंक्शनैलिटी को देखें तो डेस्क टॉप एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली मेजर टास्क जो है वो परफॉर्म करती है जबकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जो आ, टास्क हैं वो अभी तक एक्सपेरिमेंटल हैं मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कम है डेफिनेटली दे आर मेनी 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 फीचर्स जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ आ, कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक इट इज़ नॉट फिक्स यानी हम डेली बेसिस पे प्रोग्रामर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम ये काम मोबाइल ऐप के साथ कर सकते हैं या हम ये न्यू फ़ीचर मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं जबकि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है और जो फंक्शनैलिटी है हार्डवेयर के हवाले से वो भी ज़्यादा है इसलिए जो बड़ा टास्क है वो बहुत आसानी से हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन भी कम नहीं है और जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन आर मोर ट्रेंडी और हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं सो so, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एप्लीकेशन दूसरी टाइप से कम है थर्ड टाइप ऑफ़ दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जो तीसरी टाइप है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी वो एप्लीकेशन जिनको ना तो आपको स्टॉल करना पड़ता है ना डेस्कटॉप पे ना ही अपने फ़ोन के ऊपर बल्कि आप सिर्फ अपने ब्राउज़र को खोलते हैं और अब जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उसको सर्च करते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अब वेब एप्लीकेशन में डेस्कटॉप में या मोबाइल एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है बेसिकली अगर हम देखें तो जो सबसे मेन uh, जो डिफरेंस है वो ये है कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है रन करने के लिए यानी आप ऑफलाइन मोड में अगर हैं और आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो वेब एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती डेफिनेटली यू नीड इंटरनेट टू वर्क ऑन दी वेब ऐप लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन uh, है वेब एप्लीकेशन के हवाले से कि आर नॉट कन्फाइंड टू द प्लेस यानी आप जब चाहें जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ वहाँ आप वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी मेमरी कंज्यूम नहीं होती क्योंकि आपको वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और ऑनलाइन अवेलेबल है आप सिर्फ जाएं ओपन करें और इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट है यानी जिस तरह हम पहले बात करे थे कि एवरी एप्लीकेशन इज़ बेसिकली डिज़ाइंड इन कंसड्रेशन ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम आई है एंड्रॉइड है डेस्कटॉप है विंडोज़ के लिए बनाया गया है मैक के लिए बनाया गया है लेकिन जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकती हैं किसी भी हार्डवेयर को एड्रेस कर सकती हैं दे अपडेट uh, दैम आपको उसको अपडेशन uh, नहीं करनी पड़ती जिस तरह आप मोबाइल एप्लीकेशंस में देखते हैं कि रात को व्हाट्सएप अमूमन बैकअप कर रहा होता है या डिफरेंट uh, एप्लीकेशंस हैं जो कि कहती हैं जी अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए चाहे डेस्कटॉप की हैं चाहे मोबाइल की हैं सो वेब एप्लीकेशंस को अपडेशन नहीं देनी पड़ती डेफिनेटली वो इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर तो इसलिए अपडेट भी रिक्वायर नहीं होती

नंबर टू इज़ दी शेयरवेयर नंबर थ्री इज द ओपन सोर्स एप्लीकेशन एंड नंबर फोर इज दी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस सो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीवेयर को जिस के नेम आपको बता रहा है कि फ्रीवेयर यानी ये वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्री होती हैं यूज़ करना आप जब चाहे उनको इंस्टॉल करें और उनको यूज़ करें आपको उसकी पेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इस्तेमाल करने के लिए Uh, जिस तरह हम फेसबुक की बात करें uh, स्काइप की बात करें इंस्टाग्राम है ट्विटर है ये तमाम वो एप्लीकेशंस हैं या गूगल गु, के रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस हैं गूगल मैप्स हो गए जी हो गई इन तमाम के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता और सिर्फ आप उसको इंस्टॉल करें और इसको यूज़ कर सकते हैं तो दे आर द टाइप ऑफ़ द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस द सेकेंड टाइप इज़ द शेयरवेयर यानी ये वो एप्लीकेशंस हैं या वो सॉफ्टवेयर है जो कि आप थोड़े टाइम के लिए विदाउट पेमेंट यूज़ कर सकते हैं यानी ट्रायल वर्जन जो है वो फिफ्टीन डेज़ थर्टी डेज़ का ट्रायल वर्जन होता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद व्हेन यू आर सेटिसफाइड कि जी आपको ये वाली एप्लीकेशन वाकई इस्तेमाल करनी है एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर यू तो फिर आपको उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है एंड देन यू कैन यूज़ द होल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर उसकी एग्जांपल्स में शामिल है हमारे पास पीएचपी डिबगर है गेट राइट -Right है एडोब एक्रोबेट है जिस तरह या uh, हम विज की बात करें या स्पेशली हम अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ को आपको परचेज करना पड़ता है एंड यू हैव द लाइसेंस की यू शुड हैव द लाइसेंस की टू इंस्टॉल इट एंड यूज़ ऑल द फीचर्स और uh, आप देखने में आता है कि मुख्तल लोग जो हैं वो आ, इंटरनेट से जो है वो कोशिश करते हैं कि लाइसेंस विंडो ना हासिल करें बल्कि क्रैक्ड वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लें अब क्रैक्ड वर्जन हो सकता है ट्रायल वर्ज़न हो सकता है दर्द टाइप इज़ दी ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम से कुछ ज़ाहिर होता है कि जो कुछ ओपन ओपन है तो ओपन क्या है जो उसका सोर्स कोड है वो ओपन है और वो अवेलेबल है कि आप उसको यूज़ करके जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कोड को इवन कोड के अंदर अगर आप एडिशनल फ़ीचर्स एम्बेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर हम एच की बात करें तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है और उसके साथ आप जितना चाहें प्ले कर प्ले करें उसमें डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आप एड ऑन कर सकते हैं साथ ही साथ अगर हम फ़ी के हवाले से बात करें तो ओपन uh, सोर्स में मोस्टली फ़ी पे नहीं करनी पड़ती लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ़ लाइसेंस फी विच इज़ वेरी मिनिमल फ़ी वो आपको ज़रूर कभी कभी पे करनी पड़ती है uh, अगर हम एग्जांपल्स को देखें ओपन सोर्स की तो अपाची वेब सर्वर की बात करें मॉडल जो है जिस तरह हम एनिमेटेड काइंड ऑफ ड्राइंग बेस्ड जब हम वीडियोस बनाते हैं तो अगर हम उसके मॉडल की बात करें जो कि विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ अडेज और उसके लिए आपको डेफिनेटली uh, जो है वो फ़ी पे करनी पड़ती है थोड़ी सी लेकिन इट्स एन ओपन सोर्स और आप उसमें चेंज कर सकते हैं द लास्ट बट

क्लोज है यानी वो अवेलेबल नहीं है टू अ कॉमन मैन जबकि अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको सीक्रेट रखा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका कोड कहीं आउट ना हो जाए वो रेप्लीकेट ना हो जाए कोई और उसको यूज़ ना कर ले या वैसी ही कोई एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च ना कर दे बना के तो ये बेसिकली कस्टम्ड होती है और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए बनाई जाती है और इसको क्लोज रखा जाता है इसके सोर्स कोड को ताकि वो दोबारा से यूज़ आज ना के लिए इतना ही आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर जो हैं वो अच्छी तरह आपको हेल्प मिली होगी अंडरस्टैंड करने में कितने टाइप्स ऑफ सॉफ़्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है हार्डवेयर कैसे लिंक करता है इसके साथ आज के लिए इतना ही जी मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन टेक केयर खुदा हाफिज़